वेलकम गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ सिखर एकेडमी रावत सर। सिखर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज अपने फिर से आ चुके हैं अपनी प्लस टू की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेसन कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट जो अपनी क्लास रही थी वो सॉल्यूशन में अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद अपन लोग कुछ फ्रैक्शंस कर चुके हैं, अलग अलग तरह के कंसंट्रेशन कर चुके हैं और आज अपने उन्हीं कंसंट्रेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। उनको आगे बढ़ाने से पहले एक मैं टॉपिक फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि एक कमेंट आया था क्लास में समझाने के लिए और वो था डायमैग्नेटिक। अपन लोगों ने क्या की थी, पैरामैग्नेटिक अपन लोगों ने एक क्लास के अंदर स्पेसिफिक क्लास अलग लगाई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड, और वो अपनी सॉलिड लेसन की लास्ट क्लास थी। तो उसके अंदर अपन लोगों ने अलग अलग तरह के क्या किए थे, अलग अलग तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की थी सॉलिड्स की। फर्स्ट थी पैरामैग्नेटिक, सेकंड थी डायमैग्नेटिक, थर्ड थी फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ थी एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक थी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो सेकंड जो था उसमें वो था डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का क्या सिस्टम होता है, देखो अपन लोगों ने यहां इस लेसन के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो की थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो डिफाइन की थी वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे की थी। इट मींस अपन लोगों ने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, अपन लोग ये देख रहे थे कि इफ एनी एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट मींस इट शुड हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है देन इट मींस क्या होगा, जैसे कि अपने फटाफट करते हैं इसको और छोटे में मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी की भी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखनी है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से है, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें से आ चुका है। अगर ये क्या है, पेयर है या अनपेयर है, ऑब्वियसली इट इज ए पेयर, इट मींस दीज आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इफ दीज आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन वी कैन सी दैट दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं या स्पिनिंग कर रहे हैं, बोथ आर सेम। आई वांट टू से दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो विल बी ऑपोजिट। दोनों का होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, इट मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो ये दोनों जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो भी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। और दोस्तों ऑपोजिट जो होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो डायमैग्नेटिक जो होते हैं इनके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जिन एटम्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड पेयर्ड कंडीशन में हो, कौन सी कंडीशन में हो, पेयर्ड कंडीशन में हो, पेयर बना रखा हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, दीज आर नोन एज डायमैग्नेटिक, दीज आर नोन एज डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर होता है क्या होता है, अनपेयर होता है तो कुछ इस तरह कंडीशन होती है। अब ये सिंगल है उसमें डबल है, ये सिंगल है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अनपेयर्ड, उसे क्या बोलेंगे पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, तो इससे जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड वो अपने को एज ए मैग्नीट्यूड भी दिखाई देगा। लेकिन यहां जो ऑपोजिट दोनों ही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहे हैं, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जिनमें ये कहानी होती है पेयर्ड वाली, दीज आर नोन एज डायमैग्नेटिक, दीज आर नोन एज डायमैग्नेटिक। अंडरस्टैंड गाइस, बात आई तो समझ में। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और पैरामैग्नेटिक ही फेरोमैग्नेटिक बनते हैं, पैरामैग्नेटिक ही फेरोमैग्नेटिक बनते हैं। कैसे सर, क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो होते हैं उनको अगर लंबे टाइम तक है या फिर स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में रखो तो उन सभी में जो इलेक्ट्रॉन या फिर एक छोटा एटम जो है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे फिर अपने एरो से शो करते हैं, इन्हें डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन, ये एक सीक्वेंस में एडजस्ट हो जाते हैं। ये बात थी फेरोमैग्नेटिक की।
ठीक है। आप लोगों ने क्या डायमैग्नेटिक का पूछा था, तो डायमैग्नेटिक का मैंने बता दिया कि इसमें क्या फॉर्मली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी इस वजह से कैंसिल हो जाता है, मैं बता चुका हूं आपको। इसीलिए ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इनको रखो तो इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जैसे सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। देख सकते हो यहाँ सोडियम क्या करता है, Na+ बनाता है। Na+ में क्या होते हैं, लास्ट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, 2 एंड 8 हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। और सेकंड ऑर्बिट में देखो तो 2 + 6 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कंप्लीट है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे Cl ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। And if we talk about third orbit, then it have total 8 electrons. It means it also not, it does not have any unpaired electron. If both sodium and chlorine do not have any unpaired electron, it means they do not have any kind of magnetic field. So these are known as diamagnetic. ठीक है? इसके अलावा कुछ एटम होते हैं Ca plus 2, Mg plus 2, ये भी अपना octet complete रखते हैं, Na plus, F minus, ये भी क्या रखते हैं अपना octet complete रखते हैं। तो जो octet complete करने वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी diamagnetic होते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या होता है लास्ट में पूरे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पे unpaired इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इजी थिंग है गाइस, डायमैग्नेटिक आपके समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। चलिए दोस्तों सुनते हैं अपने वापस लेसन पे, और लेसन में अपने क्या कर चुके हैं, अपने सॉल्यूशन वाले लेसन में कर चुके हैं वेट बाई वेट। और मैंने आपको कल एक न्यूमेरिकल भी दिया था, एक या दो आपको एज होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, एक अमलगम बताना था और एक न्यूमेरिकल दिया था। तो ये क्लास उस क्लास के अपलोड होने से पहले रिकॉर्ड हो रही है, इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि जब ये अपलोड होगी उससे पहले पहले आप लोग क्या कर दोगे, उन सभी के कमेंट है डाल दोगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट अपने वेट बाय वेट कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद क्या है सेकंड सर, उसके बाद है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सर ये तो सेम ही है बिकॉज ऊपर भी क्या आएगा वॉल्यूम आएगा और नीचे क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम सर ऊपर किसका आएगा, वेट बाय वेट में किसका आएगा सॉल्यूट का, तो यहां भी किसका आएगा सॉल्यूट का। सर नीचे भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, किसका आएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि वेट बाय वेट में आपने किसे पढ़ा था सॉल्यूशन का पढ़ा था, ठीक है, यहां भी सॉल्यूशन का। और सर परसेंटेज का एडमिशन इनटू में क्या आएगा 100 आएगा, ये इसका बेसिक फार्मूला कवर हो गया। यहां से आप फार्मूला बनाना चाहो तो सॉल्यूट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी, ये क्या हो गया पूरा सॉल्यूशन का हो गया, बी एस इज इक्वल टू क्या हो गया बी ए प्लस वी बी, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट और इनटू में 100, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को, ठीक है। सर इसकी डेफिनेशन वेट बाय वेट की अपन लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी, वेट बाय वेट की अपन लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी ना, वेट बाय वेट डेफिनेशन की दो तरह से लिखी थी, मैं फिर से एक बार दोनों को रिपीट करता हूं, ठीक है। The number of part, the number of part by, अब क्या लिखूंगा by weight, तो किसमें था weight by weight में था, लेकिन यहां क्या लिखूंगा volume लिखूंगा, the number of part by volume That is present या फिर dissolved, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में, the number of part by volume that is present in 100 part of solution by volume. Is known as क्या होगा वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट,
अंडरस्टैंड गाइस, काफी इजी है, सेम के सेम उसी की तरह है, बस वो वेट की जगह लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। सर एक और डेफिनेशन लिखवाई थी आपने, हाँ लिखवाई थी सर, उसके हिसाब से लिख के बता दो, जरूर लिख के बताएंगे, आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। क्या है देखो, The amount of, चलो इसको छोड़ो, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर, किसमें मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या फिर बाय लिखेंगे यहां, ठीक है, बाय मिलीलीटर, ये मिलीलीटर है, एमएल मींस है मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय एमएल दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 एमएल सॉल्यूशन। That is known as क्या बोलेंगे इसे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। काफी इजी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय एमएल, कि सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है किसमें एमएल में, दैट इज डिसॉल्व्ड, जो कि गुलाब है इसमें 100 एमएल सॉल्यूशन में, दैट इज नॉन एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसे क्या बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे, सेम ही फॉर्मूला यही लिखना है बस। अब यहां से शायद आप बात ये समझ रहे होंगे कि जिसकी अमाउंट डिसॉल्व हो रखी है वो ऊपर लिखा जाता है, और सॉल्यूट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और अपॉन में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सो वी कैन राइट देयर वी ए प्लस वी बी, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ है सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ है सॉल्यूट, एंड इफ यू आर फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वी नो दैट परसेंटेज इज आउट ऑफ 100, देन इफ यू फाइंड टू परसेंटेज देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100 एंड दैट इज आवर फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। काफी ज्यादा इजी है सर, ये तो सेम का सेम उसी की तरह है, हाँ पूरा का पूरा उसी की तरह ही है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसका कुछ एक जगह यूज किया जाता है, जैसे कि एक इसका एग्जांपल है, एथिलीन ग्लाइकोल, ये तो आपके ध्यान में होगा, आपने 10th क्लास में सॉरी प्लस वन में पढ़ा होगा आईपीएससी में कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। ये क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, इसका 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है विद वॉटर, विद वॉटर, सर वॉटर के साथ मिक्स क्यों किया जाता है, अरे भाई 35% जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो इसका मिक्स सॉल्यूशन है वो किसके साथ है, वॉटर के साथ ही है, किसके साथ है, वॉटर के साथ ही है, इट मींस अगर 100 ml क्या है पूरा सॉल्यूशन है तो इसमें 35 ml क्या होगा एथिलीन ग्लाइकोल होगा और बाकी 65 ml क्या होगा ये होगा वॉटर, दैट इज 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। सर इसका यूज कहां करते हैं, एग्जांपल क्यों लिखा आपने, इसका यूज करते हैं जब काफी ठंड वाला एरिया होता है, जैसे कि कोल्ड एरियाज की बात करें स्विट्जरलैंड वगैरह या फिर शिमला वगैरह की तरफ जाते हैं, तो गाड़ियों में क्या होता है कि जो वाटर अपने लोग डालते हैं, पानी डालते हैं गाड़ियों में, आपने देखा होगा आप दुबई के भी घरों में गाड़ियां होंगी उनमें भी डालते हैं पानी, तो पानी अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो क्या हो सकता है, क्या होगा, वो कॉमन सी बात है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और एंड वी नो दैट ऑल्सो दैट वॉल्यूम ऑफ आइस इज 9% मोर देन वॉटर,
इससे क्या होगा, वो स्प्रेड होने की कोशिश करेगा और उससे अपना जो जिसमें वो पानी डालते हैं उसको जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या होगा, उसमें कुछ रिफ्ट जा सकती है, कुछ उसमें लीकेज आ सकता है, इसीलिए उसमें क्या डालते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं, उससे उसका जो टेम्परेचर है, फ्रिजिड टेम्परेचर है, वो कितना डिग्री लो चला जाता है, 17 डिग्री सेल्सियस लो चला जाता है। यानी कि अगर वो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसमें कन्वर्ट हो रहा था सॉलिड स्टेट में, तो वो किस पर होगा, माइनस है 17 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। इतना टेम्परेचर लो जाना बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। इसी जैसे जो इसमें वाटर डालते हैं वो क्या नहीं होता, वो क्या नहीं होता, वो फ्रीज नहीं होता और इससे उसकी सेफ्टी रहती है। ठीक है, तो ये अपने कर चुके हैं। इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आप करेंगे, लेकिन पहले थर्ड जो अपनी है उसको कंप्लीट करते हैं, वो सेम ऐसा सा ही है, इसीलिए पहले उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद है अपने क्या करते हैं सॉल्यूशन, ये सॉरी इसके न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसके साथ कुछ जोर जबरदस्ती करने वाला हूं, उसको यहां से हटाने वाला हूं साइड में कुछ कुछ पार्ट्स को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशंस का। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। एक ध्यान रखना, जैसे कुछ भी ये मतलब साथ में एग्जांपल आए, जैसे कि मैंने आपको एथिलीन ग्लाइकोल का एग्जांपल बताया, ठीक है, तो ये आप क्या करो, जैसे कि मैंने आपको एक और बताया था गोल्ड ऑफ फुलिस बताया था, ठीक है, इस तरह के जो है उन्हें स्पेशल अलग मेंशन कर लिया करो, कहीं एक जगह लिख लो, लिखना स्टार्ट कर दो एग्जांपल 1 2 3, इस तरह स्पेसिफिक है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ज्यादा नहीं है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसी वजह से इनको लर्न करना इजी रहता है। थर्ड जो है दोस्तों वो है अपना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब वेट बाय वॉल्यूम में क्या होगा, देखो अपने फॉर्मूला लिखते हैं, इससे पहले फॉर्मूले से डेफिनेशन अपने बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, चाहे आप एक बार अगर आप लोगों के डेफिनेशन और फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाता है तो उसके बाद आपके कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, आप चाहे पहले डेफिनेशन लिखो पहले फॉर्मूला लिखो आपके माइंड में अपने आप लर्न हो जाएगा। ऊपर क्या लिखते हैं सर, ये तो हो गया अपना वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर अपने क्या लिखते हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट लिखते हैं, लेकिन इस पर ऊपर क्या है, सॉल्यूट का वेट होगा, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए सॉरी डब्ल्यू बी, क्योंकि सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है नीचे क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, और इंटर में क्या है, 100 ही है, बिकॉज है परसेंटेज इस बार भी, इट मींस है क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम दैट इज प्रेजेंटेड इन वॉल्यूम, यहां ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखा, द नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम इज नोन एज ए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज बाय एमएल। हाँ ये ठीक है, इसमें सॉल्यूट मेंशन किया है, तो अभी करना क्या है, ऊपर आपको सर सॉल्यूट किस में लेना है, वेट यानी जीएम ग्राम में लेना है, तो नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम लिखूंगा, नो सर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूट, द अमाउंट दैट इज डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूट, द अमाउंट दैट इज डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट की फाइंड कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो सॉल्यूट के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां वॉल्यूम को हटा के यहां से क्या कर देता हूं, वेट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम weight of solute by gram that is dissolved in 100 ml solution that is known as a
ये क्या रहेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम? वेट बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला अपन लोग पहले ही बना चुके हैं। ऊपर क्या लिखना है अपने को, ऊपर लिखना है बोलिए बोलिए वेट ऑफ है बी, और इसे क्या लिखना है वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी इंटू में 100, और ये परसेंटेज बन जाएगा। और ये अपना क्या रह जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है, थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर आप तीनों देखो कि वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय पहले देखें वेट बाय वेट क्या है। तो वेट बाय वेट है कि अपने वो अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं सॉल्यूट की, वो भी किसमें, ग्राम में, जो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में फाइंड डिसॉल्व करके। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिख दिया तो 100 ग्राम और परसेंटेज क्या होता है आउट ऑफ 100, इसीलिए 100 में कहा है। ठीक है, सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन दिस कंसंट्रेशन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम एंड यू कैन से इन ml दैट इज डिसॉल्वड इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, यहां जो सॉल्यूशन है उसको भी ml में लेते हैं और जो सॉल्यूट है उसको भी ml में, यानी कि सॉल्यूशन के 100 ml में कितना सॉल्यूट है और वो भी ml में। ये होता है वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ थर्ड इज वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। इसमें क्या है, इसमें ये रहने वाला है कि इस बार अपने को 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम, सॉल्यूट के कितने ग्राम डिसॉल्व हो रखे हैं, ये अपने को फाइंड करना है सॉल्यूट के कितने ग्राम। ठीक है ना, यानी कि सॉल्यूट जो है दैट इज इन ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूशन किसमें है, दैट इज इन ml, तो ये यहां डिफरेंस रहने वाला है। इसी के साथ ये तीनों अपने कंप्लीट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका मैं बोर्ड साफ करता हूं। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो इसका यूज करते हैं मेडिसिन, मेडिसिन एंड फार्मेसी। क्या यूज होता है कि जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है S3BO3, इसका 1% है वेट बाय वॉल्यूम, 1% वेट बाय वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन है उसका यूज करते हैं किसके लिए, आइज वॉश करने के लिए। किसके लिए, आइज वॉश करने के लिए, यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100 ml का होगा और इसमें 1 ग्राम क्या होगा, बोरिक एसिड होगा। और ये भी किसके साथ सॉल्यूशन होता है, वाटर के साथ। किसके साथ है, वाटर के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमें बोर्ड साफ करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी कंसंट्रेशन है वो है PPM। सर PPM क्या है, PPM जो हॉस्पिटल है कहाँ, रतनपुरा में, रतनपुरा कहाँ सर, ये बस PPM के नाम से हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ वो हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ क्या है, इसका मीन है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि यहां भी वेट ही है, सोल्यूट का भी वेट, सॉल्यूशन का भी वेट, लेकिन पर मिलियन में कितने पार्ट है, किसके, सोल्यूट के, पर मिलियन वेट में सोल्यूट के कितने पार्ट है वो भी वेट में, दैट इज नोन एज PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो मैं लिखना चाहूंगा द नंबर ऑफ पार्ट
किसकी तरह, वेट बाय वेट की तरह, वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम की तरह, सॉल्यूट का तो वेट ही आ रहा है तो ये लिखेंगे द नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ, इसमें अपन लोगों ने पहले जो लिखा था उसमें सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट बाद में लिखा था लेकिन अभी पहले लिख देता हूं, ऑफ सॉल्यूट है दैट इज प्रेजेंट इन। अब मीडियन कितना होता है, मीडियन होता है 10 लेग और कितने जीरो है, 6 जीरो है, इसलिए क्या लगाऊंगा 10 की पावर 6 इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट। That is known as PPM. Sir, PPM यानी कि पर मिलियन में कितने पार्ट हैं? तो इतनी बड़ी अमाउंट पे लेकर चलते हैं पर मिलियन के लिए, तो सर ये तो मतलब बहुत कम पार्ट होंगे फिर पर मिलियन के हिसाब से, मतलब काफी मतलब लार्ज यूनिट होगी ये तो 10 की पावर 6 मिलियन के लिए, कितने पार्ट है, कम पार्ट हो तो भी दिखाए जाते हैं सॉल्यूट के, कम पार्ट है इसीलिए तो सॉल्यूशन इतना ज्यादा लेना पड़ा है। सॉल्यूशन कितना लिया, 10 की पावर 6 लिया है, 10 की पावर 6 में अपने क्या देख रहे हैं, अपने देख रहे हैं क्या कि सॉल्यूट कितना है, इट मींस है अपने सॉल्यूशन को कम भी तो ले सकते थे लेकिन सॉल्यूट बहुत ही कम है, सॉल्यूट बहुत ही कम है। अगर अपन लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन को कम कर दिया 10 की पावर 2 कर दिया तो 10 की पावर 2 में कहीं आधा 1/4 इस तरह का सॉल्यूट ना आए या फिर 2, 3, 5 इस तरह का सॉल्यूट ना आए तो उससे तो फिर वो कंसंट्रेशन किसी हिसाब से रहती भी नहीं, तो इतना कम ना आए इस वजह से इतने लार्ज अमाउंट का सॉल्यूशन को लिया गया। इट मींस इस तरह की जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम में ली जाती है। कौन से सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहने वाला है पीपीएम का, किसकी अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट का लिखो ऊपर, तो क्या कर रहे हैं, वेट फाइंड कर रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन और इंटर में इस बार आउट ऑफ 100 है क्या, नो सर, आउट ऑफ 100 हो तो क्या करते थे सर, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो अभी क्या है सर पर मिलियन है, आउट ऑफ पर मिलियन, तो क्या करेंगे सर पर मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 10 की पावर 6 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से, पीपीबी। सर ये पीपीबी क्या सिस्टम है, ये है दोस्तों पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। सर यहां तो आप लोग सॉल्यूशन ले रहे थे 10 की पावर 6 पार्ट ले रहे थे और यहां आप ले रहे हो 10 की पावर 9 हो जाएगा बिलियन, तो बिलियन कितना हो जाएगा 10 की पावर 9 हो जाएगा। सर ये तो और भी ज्यादा आपने सॉल्यूशन ले लिया, हां भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन जो नॉर्मल डाइल्यूट है उसके लिए ये, उससे भी ज्यादा डाइल्यूट हो, काफी ज्यादा डाइल्यूट हो तब क्या यूज करते हैं पीपीबी। सर इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए ये रहेगा कि नंबर ऑफ पार्ट, इसमें भी वेट यूज करते हैं सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी क्या यूज करते हैं, वेट यूज करते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 9। क्या करता हूं मैं यहां 10 की पावर 9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट दैट इज नोन एज पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। सर इसका फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला इजी है, वेट ऑफ सॉल्यूट अप
से लिखेंगे WB से और सॉल्यूशन का WA plus WB और इनटू में टेन के 100 का सही है क्या अपना? नो सर आपने गलत लगा दिया, बिकॉज अगर अपने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर फाउंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आउट ऑफ 100 एंड नाउ वी आर फाइंड आउट ऑफ 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 यानी बिलियन। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करो सर? 10 की पावर 9 से। तो क्या होगा? PPB ये भी आपका PPB और 3PM कंप्लीट हो गए। तो आज अपन लोगों ने क्या किया? वेट बाय वेट परसेंटेज कर लिया, कल का किया हुआ था वो आज फिर से उसको रिपीट कर लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर लिया, वेट बाय वॉल्यूम कर लिया, PPM कर लिया, PPB कर लिया। अब इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल रहने वाले हैं जो कल अपनी आधी क्लास के अंदर न्यूमेरिकल करेंगे, आधी क्लास के अंदर आगे से नेक्स्ट वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। डायमैग्नेटिक भी किया होगा, डायमैग्नेटिक भी जिस स्टूडेंट ने पूछा था उनके समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, नहीं अब कोई प्रॉब्लम रहने वाली है, सवाल ही पैदा नहीं होता प्रॉब्लम रहने का, तो अब तो एकदम परफेक्ट रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको कोई और टॉपिक ना समझ में आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। अगर कमेंट बॉक्स में आपके समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्लास में समझा देंगे, क्योंकि अपना काम क्या है, काम क्या है अपना, ऑब्वियसली थिंग है गाइस, आप लोगों को समझाने का। हम बैठे कहां हैं यहां, किस लिए हैं? केवल आप लोगों को समझाने के लिए, हम आप लोगों को समझाने के लिए बैठे हैं। और आप लोग किस लिए हैं? स्टडी के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप लोग ये मत सोचना सर इतनी ही तो वेकेशंस होती है, उसमें भी आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट करवा दी। अरे हम लोग स्टडी स्टार्ट नहीं करवाते, लॉकडाउन की वजह से आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे, इस वजह से आप हर टाइम घर बैठे रहते हैं, और इतने टाइम जब घर बैठे रहते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, स्टडी आपके माइंड से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि स्टडी पर कभी लर्न नहीं हो पाता। बाहर तो अपने क्या जाते हैं, जाते हैं माइंड फ्रेश रहता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, माइंड अपने समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माइंड पजल होता जा रहा है, उसमें जो आप लोगों ने लास्ट स्टडी की है वो भी पजल होती जाएगी। अगर हम लोग ये क्लास नहीं लगाते या फिर आप लोग ये क्लास नहीं लगाते हो तो आपकी सिचुएशन रियल में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेट होने वाली है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी आपकी, आप लोगों को स्टडी करते रहना है। मैंने आपको कहा है जैसे कि अपनी क्लास एवरेज रहती है 40 मिनट्स की, तो 40 मिनट से ज्यादा हम इसीलिए नहीं लगा रहे क्योंकि मेरे को मालूम है ज्यादा लंबी क्लास लगाने से कोई पसंद नहीं करेगा इतनी लंबी क्लास, तो आप लोगों को 40 मिनट्स की क्लास ये देखनी है, उसके बाद ओनली 20 टू 30 मिनट्स दे दो, ठीक है। आपको मैंने 40 मिनट्स मांगे तो 40 टू 20 तो बहुत ज्यादा है, इतना तो हमने कर भी नहीं रहे, 20 टू 30 मिनट्स आप उसके बाद रिवाइज करो बेस्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को एक और कहा था कि हम लोग 17 मई 2020 को लाइव आने का चाहते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके अंदर कम ही लोगों के कमेंट आए हैं, कम ही लोगों का ओपिनियन आया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो भी इस क्लास को देख रहे हैं यहां तक पहुंचे हैं वो अपना ओपिनियन जरूर दें, ताकि हमें मालूम चले क्या हमें लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या बाद में आना चाहिए या जो कुछ भी है, वो सिस्टम कम से कम कन्फर्म हो, क्लियर हो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज आप ये लोग काम जरूर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और क्लास को दोस्तों लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें, बिकॉज दैट लाइक्स एंड कमेंट्स आर आवर मोटिवेशन इंस्पिरेशन, तो आप इसको जरूर लाइक करें। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।